जमीनों की खरीद फरोख में ठगी के खेल तो कई बार सामने आते हैं। हर सुबह नए तरीके से एक नई वारदात देखने और सुनने को मिलती है और पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस और अन्य विभागीय अधिकारी मशक्कत कर अपराधियों को दबोचने की जुगत में लगे रहते हैं। लेकिन इस बार हम आपको दिखाएंगे ठगी का एक अनोखा तरीका। ठगों ने एक मृत शख्स को जिंदा कर दिया, उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिए और फिर खेला लाखों की ठगी का खेल जमीन के नाम पर। टोंक से रवि टेलर की। आधुनिक मशीनों और उपकरणों का फायदा किसी को हो या ना हो, लेकिन शाती ठग उनका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। ठगों ने फर्जी आईडी कार्ड तैयार कर एक एक कर तीन जमीनों को फर्जी तरीके से बेचकर लाखों रुपए टकार लिए। प्रदेश के कई जिलों से जुड़े गिरोह ने टोंक जिले के बरौनी क्षेत्र की एक जमीन को इस तरीके से बेचा कि ना तो खरीदने वाले को शक हुआ और ना ही अधिकारियों को। ठगों ने करीब 8 लाख रुपए टकार लिए। टोंक पुलिस की गिरफ्त में आई ये वो ठग सौदागर है जिनकी ना तो कोई जमीन होती है ना ही कोई पहचान। दरअसल अनवर उल्ला निवासी काली पलटन ने पिछले साल दिसंबर में इस्तगासे के जरिए शहर कोतवाली थाने में जमीन ठगी का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो कई सनसनीखेज जानकारियां सामने आई। पुलिस के मुताबिक टोंक शहर कोतवाली इलाके के कालीपट्टन क्षेत्र निवासी अनवर उल्ला के पिता मजीदुल्ला की मौत 1987 में ही हो गई थी, जिनके नाम से बरौनी क्षेत्र में जमीन थी, जिसकी ताहिर, असलम, मुजफ्फर अली और अजीज अली ने फर्जी तरीके से जमीन बरौनी निवासी जगदीश गुजर को बेच दी। मामले की तफ्तीश में उक्त आरोपियों का एक गिरोह सामने आया जो प्रदेश के विभिन्न शहरों, गांवों और ढाणियों में फर्जी तरीके से पहचान पत्र बनाकर जमीनों की खरीद फरोख्त कर लोगों के साथ ठगी को अंजाम देते थे। उनके पिताजी का नाम मजीदुल्ला था, उसकी जगह जिसको खड़ा किया गया वो कुचामन सिटी निवासी अजीज मियां हैं। वो मजीदुल्ला बनाया फर्जी आईडी करके। उबैदुर रहमान टोंक का है जो उसमें रहमान बना है गवाह के रूप में। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस प्रकरण में कुल 5 आरोपियों ने ठगी का ये खेल खेला। हालांकि अभी तक 3 आरोपियों पर तो शिकंजा कसा जा चुका है, लेकिन 2 फरार आरोपियों की तलाश के लिए कुछ पुलिस टीमें अपनी तफ्तीश में जुटी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों से अभी और भी मामलों के खुलासे हो सकते हैं। इसमें 5 लोग वांटेड थे जो 2 की अभी तलाश जारी है। जो मैन जो है मजीदुल्ला वो अभी दिल्ली गया हुआ, उसकी जानकारी मिली, हमारी टीम गई है उसको लेने के लिए, उसकी तलाश है। और टोंक का जो उबैदुर रहमान है वो अभी फरार है। हालांकि पुलिस को इस प्रकरण के खुलासे में करीब 6 महीने का वक्त लगा, लेकिन जब ठगी के पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ तो सारा सच सामने आ गया। बहरहाल
अब खाकी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। लेकिन देखना होगा कि गिरोह के दो फरार आरोपी अब कब तक पुलिस गिरफ्त में आते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट।